गाइज, वेलकम टू फॉस टेक्नोलॉजीज़। मेरा नाम योगेंद्र है एंड आई बिलोंग टू फाउंडिंग टीम। सो इस बार फोर्थ सीजन में हमारे पास समर ट्रेनिंग प्रोग्राम है, फर्स्ट समर ट्रेनिंग प्रोग्राम 2020। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये हमारा फोर्थ सीजन है। इससे पहले हम तीन सीजन इसके कर चुके हैं। जनरली इसको हम लोग फर्स्ट समर स्टूडेंट्स डेवलपर प्रोग्राम कहते हैं। फॉस्क के बारे में अगर हम बात करें तो फॉस्क 2015 में स्टार्ट हुआ था। फॉस्क राजस्थान का सबसे पहला कोडिंग स्कूल है और जब से हमने इसको स्टार्ट किया है तब से हम ऑलमोस्ट राजस्थान की हर यूनिवर्सिटी और टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज के साथ हम काम करते आ रहे हैं, चाहे वो IIIT कोटा हो, MNIT हो, JCRC हो, पूर्णिमा हो, भारतीय स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी हो, जोधपुर में जीत हो, सीकर में सोबसरिया हो, ऑलमोस्ट हर कॉलेज के साथ हमारे टाई अप्स हैं, जहाँ पे हम फैकल्टी प्रोग्राम्स, स्टूडेंट्स प्रोग्राम करते रहते हैं। अलॉन्ग विद द फर्स्ट कोडिंग स्कूल, जो हमारी टीम है, सीनियर टीम मेंबर्स हैं, वो इंडस्ट्री के प्रोजेक्ट्स को भी कंसल्ट करते हैं। और रिसेंटली हमारा जो स्पेसिफिक एरिया है, जो डोमेन है, जो हमने डेवलप किया है ओवर द टाइम, वो हमारा डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और इसके बारे में है। और अगर हम कुछ कंपनीज के बारे में बात करें जहाँ पे हम कंटिन्यूसली रिसोर्सेज प्रोवाइड कराते हैं, कंसल्टेंसी देते हैं, वहाँ पे जूमियो इंडिया है, जयपुर बेस्ड बहुत बड़ी कंपनी है, वैभव ग्लोबल लिमिटेड है, अगेन जेम्स एंड ज्वेलरी का एक बहुत बड़ा नाम है, रावत टेक टोक्यो बेस्ड स्टार्टअप है जिनके लिए जिनके साथ हम लोग काम कर रहे हैं, हेल्फोन एक जयपुर बेस्ड स्टार्टअप है जो लोग इस एरिया में काम कर रहे हैं, NCR में जो है कंपनीज हैं जहाँ पर हम लोग कंसल्टेशन दे रहे हैं। तो ये एक छोटा सा आइडिया है कि फॉस्क क्या है। सो फॉस्क के दो वर्टिकल हो गए, एक हमारा एकेडमी जिसको हम फॉस्क कोडिंग स्कूल कह रहे हैं, और दूसरा हमारा कंसल्टेंसी आर्म जिसमें हम लोग प्रोजेक्ट्स की कंसल्टेंसी और उससे डेवलपमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज़ पर काम करते हैं। सो इस बार का जो हमारा समर ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसकी अगर डिटेल्स अगर हम जानना चाहें कि एग्जैक्टली हम उसमें क्या कवर करने वाले हैं, क्या टेक्नोलॉजी स्टैक उसमें यूज़ रखने वाले हैं, और उसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। तो सबसे पहले तो जो हमारा ये प्रोग्राम है 45 डेज से लेकर के 30 डेज का ड्यूरेशन रहता है। ज़्यादातर जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें जो समर ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ होती हैं या समर प्रोग्राम्स होते हैं उनका लगभग 6 वीक्स के अराउंड का टाइम रहता है, तो उसी के हिसाब से हमने इस प्रोग्राम को डिज़ाइन किया है। अगर आप देखेंगे तो ये सेशन जो रहता है वो 5 डेज अ वीक रहता है, मंडे टू फ्राइडे रहता है, और ऑलमोस्ट एवरी डे यू स्पेंड अराउंड 4 to 5 आवर्स इन द ऑफिस। ऑफिस में इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज ये कोचिंग नहीं है, हम लोग यहाँ पर बिल्कुल रियल इंडस्ट्री एनवायरमेंट को मिमिक करते हैं। उसके बाद इस पूरे समर ट्रेनिंग प्रोग्राम का जो फोकस हमारा रहता है वो फोकस रहता है प्रैक्टिस के ऊपर। सो प्रैक्टिस किस फॉर्म में हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमारे पास पूरे ड्यूरेशन में अराउंड 30 मिनी प्रोजेक्ट्स रहते हैं, और उसके बाद हमारे पास लास्ट में कैपस्टोन प्रोजेक्ट्स रहते हैं। खास बात यह है कि कैपस्टोन प्रोजेक्ट एक कैपस्टोन प्रोजेक्ट नहीं है जिसको सभी बच्चे कर रहे हों, हम अलग अलग ग्रुप्स बना करके जिसमें 2 या 3 लोग रखते हैं, और अलग अलग ग्रुप्स को अलग अलग प्रोजेक्ट्स असाइन होते हैं, उनको प्रॉब्लम स्टेटमेंट, कंप्लीट स्पेसिफिकेशंस उसको दिए जाते हैं, वो चीज़ यहाँ पे है। और एक जो एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट जिसको हम लोग कह सकते हैं, जो हम लोग लेके आए हैं, पिछले साल भी हमने इसको आजमाया था, जिसको हम लोग कहते हैं डेली प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस। सो डेली प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस या DPP जिसको हम लोग नाम देते हैं, बेसिकली ये एक वो एक्टिविटी है जहाँ पे आप रियली में अपने आइडियाज़ को यूज कर सकते हो प्रॉब्लम सॉल्विंग में, किस तरीके से किसी प्रॉब्लम को कोड के थ्रू कैसे सॉल्व किया जाए, वो चीज़ यहाँ पे फोकस हमारा रहता है। तो ये हमारा डिटेल है। बात करें अगर टेक्नोलॉजी स्टैक की कि एग्जैक्टली हम लोग क्या कवर करने वाले हैं, तो ओब्वियसली अभी आप देख रहे होंगे जितने भी न्यूज़पेपर्स हैं, आर्टिकल्स हैं, यूट्यूब्स हैं, ब्लॉग्स हैं, टेक्निकल ब्लॉग्स की मैं बात कर रहा हूँ, एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट। कम से कम नेक्स्ट 10 ईयर्स के लिए ये चीज़ ऐसी है जो बहुत ही ज़्यादा बूम में रहने वाली है, इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर भी। आप किसी भी जो बात कर लीजिए कंट्री की जहाँ पे IT इंडस्ट्री बूम पे है, वहाँ पे इस डोमेन में, इस सेगमेंट में बहुत ज़्यादा फोकस हो रहा है अभी। तो हमने उसी के हिसाब से इस टेक्नोलॉजी डोमेन को लेते हुए अपनी
टेक्नोलॉजी स्टैक को डिफाइन किया कि एग्जैक्टली हम लोग यहाँ पे क्या कवर करने वाले हैं। तो शुरुआत हमारी यहाँ पे पाइथन से होती है, बेसिक पाइथन जिसको हम लोग कहते हैं। बेसिक पाइथन का काफ़ी हिस्सा आप अपने कॉलेज में हो सकता है कर चुके हों या किसी ऑनलाइन कोर्स के थ्रू आपने उसको कर लिया हो, लेकिन हमारा फोकस प्रैक्टिस के ऊपर है। और बहुत सारे लोग जब सर्टिफिकेट लेके आते हैं कि सर हमारे पास पाइथन का सर्टिफिकेट है, लेकिन जब उनको प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी जाती है तो वो हाथ खड़े कर लेते हैं कि सर हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि मैंने उससे थ्योरी पढ़ी है, राइट। तो इस तरीके की चीज़ों को हम लोग वहां पर कम करते हैं, रिमूव करते हैं। तो बेसिक पाइथन के साथ उसका जो बेसिक प्रैक्टिस है वो यहां पर आता है। फिर उसके बाद हम लोग मूव करते हैं पाइथन के एडवांस सेक्शन पे, जहां पे हम बात करते हैं कि रेस्ट एपीआईज को कैसे यूज करेंगे, डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट कैसे करेंगे, रेगुलर एक्सप्रेशंस को कैसे यूज करेंगे। उसके बाद डेटाबेस में नो सीक्वल हो गया, सीक्वल हो गया, ये वेब स्क्रैपिंग कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें जो है हम लोग एडवांस पाइथन में लेते हैं। प्लस मेमोरी मैनेजमेंट कैसे हो रहा है, एफिशिएंट कोड कैसे लिखेंगे, यूनिट टेस्टिंग कैसे परफॉर्म करेंगे, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे करते हैं। उसके बाद फिर हम लोग मूव करेंगे डेटा साइंस के सेक्शन में, जहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि डेटा इंजीनियरिंग कैसे होती है। डेटा इंजीनियरिंग का मतलब होता है डेटा को कैसे प्रोसेस करना है, एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में कैसे लेके आना होता है, उसकी पाइपलाइनिंग कैसे क्रिएट करते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर रहते हैं। फिर हम लोग मशीन लर्निंग का, डीप लर्निंग का, एआई का रियल एक्सपोजर लेने वाले हैं कि हम किस तरीके से इन टेक्नोलॉजीज को, इन हॉट टेक्नोलॉजीज को यूज करने वाले हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग में, वो हमारा फोकस रहता है। जब भी हम किसी मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि यू हैव टू डील विद लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, राइट, एंड दैट लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा समटाइम्स इज रेफर्ड एज बिग डेटा। तो किस तरीके से किसी मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट में अगर आपको एक बिग डेटा सेट दिया जाता है, एक लार्ज डेटा सेट दिया जाता है, तो आपको कैसे उसके साथ डील करोगे, कैसे उसको इस्तेमाल करोगे, कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग वाले पैटर्न पर जाओगे, वो हमारा फोकस रहता है। जब आपने कुछ काम कर लिया है अपनी लोकल मशीन पे, आपने किसी प्रोजेक्ट को डेवलप कर लिया है, आप उसको प्रोडक्शन में कैसे लेके जाओगे। प्रोडक्शन में ले जाने का मतलब है हाउ अदर पीपल कैन ऑल्सो यूज योर प्रोजेक्ट, राइट। वहां पे हमें कॉन्सेप्ट सीखना पड़ता है कि हम डेवऑप्स को कैसे यूज करें, क्लाउड को कैसे यूज करें, वो सारी चीजें यहाँ पर रहती हैं। और कई बार जब आपके किसी प्रोजेक्ट को या आपकी कोई यूटिलिटी जो आपने डेवलप की है अराउंड मशीन लर्निंग एंड एआई, उसको कोई दूसरा यूज करना चाहेगा, तो उसके लिए कोई ना कोई यूआई इंटरफेस आपको बनाना पड़ेगा, राइट। अगर यूआई इंटरफेस बनाना पड़ेगा तो आपको किसी ना किसी वेब टेक्नोलॉजी की नॉलेज होनी चाहिए, आपको बेसिक एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट ये सब आना चाहिए, आपको रिएक्ट वगैरह पे काम आता है तो ये तो और भी अच्छी बात है। तो इस तरीके की चीजों को हम लोग यहाँ पे हैंडल करते हैं कि वेब प्रोग्रामिंग का एक इंट्रोडक्शन या उस लेवल का एक काम जहां पे एटलीस्ट आप एक वन पेजर टू पेजर वेबसाइट बना सको, ठीक है। बैकएंड के लिए चाहे आप यहाँ पे जेंगो यूज कर सकते हो, फ्लास्क यूज कर सकते हो, और तमाम तरीके के बैकएंड डेवलपमेंट के लिए आते हैं, बट हमारा फोकस रहता है कि हम फ्लास्क को एटलीस्ट यूज कर पाए। और उसके बाद एक बड़ी ही जो चीज यहाँ पे है, गिट या गिटहब। आज के टाइम पे आपके रिज्यूम को कोई नहीं देखने वाला है। सबसे पहले आपका जो भी इंटरव्यूअर होता है या जिस जिस कंपनी में आपने इंटर्नशिप के लिए जॉब के लिए अप्लाई किया है, वहां पे सबसे पहले वो आपसे पूछते हैं कि व्हाट इज योर गिटहब प्रोफाइल, व्हाट इज योर गिटहब लिंक, राइट। तो ये एक चीज जो है हम लोग यहाँ पे एक डेली प्रैक्टिस में लेके आते हैं कि एवरीडे, राइट, जो भी कोड आप डेवलप कर रहे हो आप उसको क्लाउड पर या गिटहब पर पुश करो, राइट, वो चीज यहाँ पे रहती है। तो ये हमारा टेक्नोलॉजी स्टैक है। कौन है जिसको ये ज्वाइन करना चाहिए, राइट, कि किस तरीके के लोगों को हम सजेस्ट करते हैं कि आपको ये ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहिए। सबसे पहला, हम बहुत सारे कॉलेजेस में जाते हैं, बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं, काफ़ी सारे बच्चे हैं, मतलब आप अगर 60 स्टूडेंट्स की क्लास है तो वहाँ पे 40 to 45 बच्चे ऐसे आपको मिलेंगे जो कोडिंग से डरते हैं, राइट। कोडिंग से डर का रीजन बहुत सारे हो सकते हैं, उसकी किस तरीके से हमें वहां पे बताया गया है, हम कैसे उसको डील करते हैं। सो कोडिंग से अगर आपको डर लगता है, दिस प्रोग्राम इज फॉर यू। आई कैन गारंटी यू कि विद इन 45 डेज यू वुड बी कंफर्टेबल विद द कोडिंग, एंड दिस इज नॉट समथिंग विच आई एम क्लेमिंग। द पीपल हु हैव ऑलरेडी जॉइंड सच प्रोग्राम्स, चाहे वो किसी भी कॉलेज से हो, चाहे चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, जिसको भी कोडिंग से अगर डर लग रहा है, दिस प्रोग्राम इज फॉर यू। सेकेंड एक्टिविटी,
जैसे ही आपका समर प्रोग्राम ख़त्म होता है, हर कॉलेज में प्लेसमेंट एक्टिविटीज स्टार्ट हो जाती है, चाहे वो फिजिकल प्लेसमेंट विजिट हो कंपनीज की, चाहे वो ऑनलाइन कोडिंग कॉम्पिटिशन्स के थ्रू हो रहा हो। तो अगर आपको उसके लिए प्रिपेयर करना हो, दिस कैन बी अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू, बिकॉज हमारा जो फोकस ही है कि डेली प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस, राइट? तो उसके थ्रू आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं कोडिंग कॉम्पिटिशन्स के लिए, चाहे वो TCS का कोड बेटा है, चाहे वो InfyTQ है, चाहे एक्सेंचर का है, चाहे विप्रो का है। ऑलमोस्ट एवरी कंपनी इज नाउ इनटू दिस। और स्टार्टअप्स वगैरह जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज होती हैं, वहां पे भी वो आपको पता है कि कोडिंग के थ्रू ही आपका एग्जामिन करती हैं आपकी स्किल कैसी है। और उस ओबियसली उसमें आपको डेटा स्ट्रक्चर और ये सब चीजों का नॉलेज भी अच्छा होना चाहिए, जिन चीजों को हम अपने यहाँ पे प्रोग्राम में DTP में लेते हैं। तो अगर आपको कोडिंग कॉम्पिटिशन की तैयारी करनी है, दिस प्रोग्राम इज फॉर यू, राइट? नई टेक्नोलॉजी को अगर आप एक्सपीरियंस करना चाहते हो कि हाउ कम द न्यू टेक्नोलॉजीज लाइक डेटा साइंस, डेटा इंजीनियरिंग या बिग डेटा हैंडलिंग, ये किस तरीके से यूज होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग में, कैसे इसके अराउंड प्रोजेक्ट्स बनते हैं, वो सब चीज़ हम लोग यहाँ पे लेके आते हैं। लास्ट टाइम जब हमने ये प्रोग्राम किया था, उस टाइम पर ऑलमोस्ट एवरी फ्राइडे एक सेशन होता था जिसको हम लोग इंडस्ट्री फ्राइडे कहते थे। वी यूज टू कॉल अ सीनियर गाय फ्रॉम द इंडस्ट्री विद अ रिलेवेंट एक्सपीरियंस हु विल टॉक टू द पीपल हु ज्वाइंड अवर कोर्स, राइट? सो उनके साथ सेशन होता था, क्वेश्चन आंसर सेशन होता था। बहुत सारे लोग पिछली बार भी आए थे, इवन US से भी जो है लोग थे, अमेरिकन एक्सप्रेस में काम कर रहे हैं या फिर AI स्टार्टअप में काम कर रहे हैं या बैंगलोर में हैं या हैदराबाद में हैं या लोकल जयपुर में भी कुछ लोग काम कर रहे हैं, उनको हम लोग इन्वाइट करते थे। एंड दे यूज टू गिव अ वेरी इनफॉर्मल, ये फॉर्मल टॉक्स नहीं होती थी, इनफॉर्मल, जहाँ पे बच्चा बहुत ही एक स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में उसे सीधा सवाल कर सकता है। तो इस तरीके की चीज़ें हम लोग यहाँ पे लेके आते हैं अपने एक्सपीरियंस में। अगर आप अपने BTech के फर्स्ट ईयर में हैं, सेकंड ईयर में हैं, थर्ड ईयर में हैं या पास आउट हो चुके हैं और आपको लगता है कि आपको इस एरिया में इंटरेस्ट है और आप जॉब अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहते हैं, दिस प्रोग्राम इज़ फॉर यू। आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। इनफैक्ट BCA MCA बैकग्राउंड से आने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है। MIT यूनिवर्सिटी से पिछली बार MCA के कैंडिडेट्स आए थे हमारे पास। BCA वाले कैंडिडेट्स भी जो है ज्वाइन करते हैं इस प्रोग्राम को। तो ये वो चीज़ है जिसके बारे में आपसे बात कर रहा था कि किस तरीके के लोगों के लिए प्रोग्राम जो है यूजफुल या हेल्पफुल रहेगा फ्यूचर करियर प्रोस्पेक्ट्स के हिसाब से। अगर आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहां पर मैं आपको एक रजिस्ट्रेशन लिंक दे रहा हूं, जहां पे लिखा हुआ है bit.ly/FSSDP20। सो ये हमारा एक रजिस्ट्रेशन का लिंक है। आप लिंक पे जा करके अपनी डिटेल्स शेयर कर सकते हैं। बेसिक डिटेल्स आपसे मांगी जाती हैं, आपका ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर वगैरह क्या है वो सब चीज़ आती है। अगर आप चाहते हैं कि आप हमारी काउंसलिंग टीम से बात करना चाहते हैं या आपके मन में कोई सवाल है, आप सवाल पूछना चाहते हैं, तो आप चाहें तो हमें कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर, आप ईमेल कर सकते हैं हमें, राइट? सो किसी भी फ्री काउंसलिंग के लिए वो आप जो है नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट भी है fastcodingschool.com, राइट? fastcodingschool.com पर हमने अपने इस प्रोग्राम का डे वाइज, आई थिंक नो वन इन इंडिया हैज अ डे वाइज शेड्यूल इन एनी प्रोग्राम। आप कहीं पर भी चेक कर लो जो आपको डे वाइज प्रोग्राम दे दे। डे वाइज प्रोग्राम रहता है कि इतने घंटे DPP होने वाला है, इतने घंटे कॉन्सेप्ट्स एंड डेमो की बात होगी, इतने घंटे हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, इतना टाइम मिनी प्रोजेक्ट्स में लगेगा। सो एवरीथिंग डे वाइज शेड्यूल वी हैव गॉट, राइट? तो आप उस डे वाइज शेड्यूल का PDF डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पर जा करके। तो इस तरीके की चीजें हैं। फिर भी आपके मन में कोई डाउट है कि साहब मैं इस प्रोग्राम को ज्वाइन करूँ या नहीं करूँ, वी हैव अ ऑप्शन कि आप जो है फ्री डेमो ले सकते हैं यहाँ पर आके, राइट? आप चाहें तो किसी भी टाइम पे कॉल करके डेमो के लिए आ सकते हैं, इवन ड्यूरिंग द समर प्रोग्राम एज वेल। जनरली जो हमारा जो समर प्रोग्राम है वो स्टार्ट होता है मई के फर्स्ट वीक से, राइट? सो एक एक जो बैच है या एक जो आपका कोहोर्ट है वो हमारा मई में स्टार्ट होता है, दूसरा जो कोहोर्ट होता है वो जनरली मई एंड के आसपास स्टार्ट होता है। एग्जैक्ट डेट हम लोग अभी नहीं बताए, बट दिस इज द टेंटेटिव शेड्यूल वी हैव, राइट? तो इस तरीके की चीज यहाँ पे है। सो फीस की अगर हम बात करें कि किस तरीके का फीस स्ट्रक्चर है,
पिछली बार हमारा जो फी स्ट्रक्चर था वो 15,000 था, इस बार थोड़ा सा हम लोगों ने बढ़ा दिया है। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो फीस है 16,500 या 16,500 रुपीज़, यहाँ पे डिस्काउंट अवेलेबल है। अगर आप अर्ली बर्ड डिस्काउंट लेना चाहते हैं तो आप तुरंत जो है रजिस्टर कर सकते हैं इसमें, देन यू कैन क्लेम द डिस्काउंट ऑफ अराउंड 2,500 रुपीज़ if you come in groups, right? or if you are a meritorious candidate, if you are very good into the academics, our counseling team will evaluate your performance and they may offer you a discount, right? तो इस तरीके की चीज़ यहाँ पे है। currently अभी हमने जो recently reach out programs किए हैं उनमें दो चीज़ों का मैं आपको mention करना चाहूँगा। एक reach out program हम लोगों ने अभी recently किया था जिसमें हम लोगों ने instructor led फ्री ऑनलाइन क्लासेस ऑर्गेनाइज की थी पाइथन के लिए, बेसिक पाइथन को टीच करने के लिए। राजस्थान से 800 स्टूडेंट्स ने उसको रजिस्टर किया था और करीबन 400 बच्चों ने उसको रेगुलरली ज्वाइन किया था। जिन लोगों ने सही परफॉर्म किया उसको हमने सर्टिफिकेट्स भी दिए थे। अभी फिलहाल जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, हम लोग एक फैकल्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं मशीन लर्निंग और एआई के ऊपर। पूरे राजस्थान के जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं वहाँ से पूरी फैकल्टीज इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर रही हैं, चाहे वो वहाँ पढ़ा रही हैं, चाहे वो अपने रिसर्च एरिया में यूज़ करने वाली हैं, चाहे बीकानेर की बात ले लो, जोधपुर की बात ले लो, जयपुर के किसी कॉलेज की बात ले लो, कोटा से ले लो, कहीं से भी, पिलानी से ले लो, वहाँ से लोग ज्वाइन कर रहे हैं। दे आर टेकिंग दिस क्लासेज एंड वी आर गेटिंग ए वेरी वेरी गुड फीडबैक राइट फॉर दिस प्रोग्राम। तो इस तरीके का ये एक ओवरऑल शेड्यूल है। कोई भी आपका जो सवाल हो जो है आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में जो है अपनी बात लिख सकते हैं, कमेंट आप भेज सकते हैं, वहाँ पे हमारी काउंसलिंग टीम आपको कांटेक्ट करेगी एंड दे विल ट्राई टू रिजॉल्व योर क्वेरी। थैंक यू गाइस।